हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ अंजू मलिक। तो आज मैं आपको एक अच्छी बात बताने वाली हूँ, बहुत ही अच्छी, कि आज मेरी पहली यूट्यूब की इनकम आ चुकी है ना। 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे हमारी वीडियो चलनी चाहिए, इतना है ना इसमें यूट्यूब में होना चाहिए। तो मेरे 1,000 सब्सक्राइबर ही कम्प्लीट हो गया, मेरा वॉच टाइम भी कम्प्लीट हो गया। तो अब फिर मैंने जो पिन वगैरह की जो फॉर्मेलिटीज होती है ना, फॉर्म वॉर्म भरना पड़ता है, वो भी भर दिया। हाँ, तो धीरे धीरे ना मैं, मतलब मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैंने क्या किया, जो यूट्यूब है ना, मोबाइल में से देख देख के सारे फॉर्म वॉर्म भर दिए। पिन आया था, पिन के बाद मैंने अपने मोबाइल में एक फॉर्म और दूसरा आया था, उसको भर के फिल कर दिया ना। फिर उसके बाद क्या था, मेरा जो पेमेंट है ना, $100 नहीं हुई थी। उसमें क्या है, तो इसमें क्या है, मेरा है ना $100 कंप्लीट नहीं हुए थे। तो धीरे धीरे 1 महीने में मेरी $100 कंप्लीट हो गई। $100 कंप्लीट होने के बाद मैंने अपना अकाउंट जोड़ दिया, PNB का मेरा अकाउंट था, मैंने उसको जोड़ दिया। और मेरे 21 को पेमेंट आती है, तो लेकिन जो ये पंजाब SBI बैंक होती है ना, इसमें थोड़ा सा लेट पेमेंट को डाल दिया अकाउंट में। तो मेरा 25 को पेमेंट आ चुका था। मैं आपको बताती हूँ मेरा पेमेंट कितना आया। मेरा पेमेंट आया पूरा है ना, जितने जी सारे पैसे हैं ना, ये ही पूरा आया है। अब इसको मुझे टाइम लगा, मुझे 2 से 2.5 साल, पूरा 2.5 साल लगा है मुझे वीडियो बनाते बनाते। इसमें मेरी कुछ गलतियां भी थी, क्योंकि मैंने लगातार वीडियो नहीं बनाई, वरना पेमेंट जल्दी आ जाता है। मैंने क्या किया था, बना ली फिर बीच में छोड़ दी, बना ली फिर बीच में छोड़ दी। इसमें क्या, लगातार अगर हम यूट्यूब पे ना 6 महीने अगर हम लगातार मेहनत करें ना, तो 6 महीने में हमारी पेमेंट आना स्टार्ट हो जाती है आराम से, है ना। पर मैं थोड़ा सा टाइम लेगी, ज़्यादा टाइम हो गया मेरा, क्योंकि मैं लगातार वीडियो नहीं डाल पाई। तो अब लास्ट में मेरा पेमेंट आ चुका है, मैंने आपको पेमेंट बता भी दिया है। ये यूट्यूब के कुछ रूल्स हैं कि हम आपको डायरेक्ट बता नहीं सकते कि कितना पेमेंट आता है। बस मैंने ये मेरा पूरा पेमेंट आया, मैंने आपको दिखाई देती हूँ, गिन के नहीं बताऊंगी। ये मेरा पूरा पेमेंट आया है ना, अरे इतना है इधर। तो ये सारा मेरा ये पूरा पेमेंट आया, जितना है यही आया है पूरा पेमेंट। तो ठीक है, अगर आप सोच रहे हो वीडियो चैनल बनाने की, तो आप बिल्कुल बनाइए, मेहनत करना। लगातार 6 महीने अगर कोई मेहनत कर लेना, तो यूट्यूब पे पेमेंट आ ही जाती है ना। तो आप पहले एक अच्छी तरीके से अपना यूट्यूब चैनल बना लो, आपका जो भी कंटेंट हो उसको अच्छी तरीके से डालो, किसी की कॉपी नहीं डालनी है ना। धीरे 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 वो हमारा सब्सक्राइब वगैरह सब बढ़ने लगते हैं। आप है ना, जैसे वीडियो डालते हो तो एकदम से मत सोचना कि हमारा पैसा एकदम से आ जाएगा, ये सब्सक्राइब बढ़ेंगे, ये वॉच टाइम बढ़ेगा। धीरे धीरे सब कुछ बढ़ जाता है। अब मुझे 2.5 साल लगे, क्योंकि इसमें कुछ मेरी गलतियां थी, इसलिए वरना 6 महीने में यूट्यूब पेमेंट आने लगती है ना। 6 महीने अगर लगातार मेहनत करेंगे ना अपने कॉन्टेंट पे, तो हमारे जो यूट्यूब की पेमेंट है ना, 6 महीने में आ ही जाती है। और आप अगर कोई वीडियो बना रहे हैं ना, और आपके कोई मजाक बनाए, हंसी मजाक जो भी होता है ना, तो आप टेंशन मत लो उनको, जो भी है उनका करने दो। आप अपने अगर ध्यान दोगे ना अपने काम पर, तो बहुत ही जल्दी सक्सेस भी हो जाओगे। अब क्या, जब मुझे रिजल्ट पॉजिटिव मिला है ना, तो मैं भी लगातार वीडियो डालूंगी और अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश भी करूंगी। तो जब मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था ना, तो मैंने अपने घर वालों को बताया नहीं था बिल्कुल भी कि ऐसे मैं कुछ काम कर रही हूँ, मैं छिप छिप के कोई काम करती। जब मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था ना, मुझे कुछ भी नहीं आता था, मुझे ढंग से है ना मोबाइल चलाना तक नहीं आता था। धीरे धीरे मैंने मोबाइल से सीखा किस तरीके से YouTube चैनल बनाते हैं, किस तरीके से क्या होता है, कितना सब्सक्राइब चाहिए, कितना वॉच टाइम चाहिए। तो मतलब धीरे धीरे मैं उसमें सीखती गई। अब जब मेरा ना सब्सक्राइब भी कम्प्लीट हो गया, वॉच टाइम भी कम्प्लीट हो गया, तो मैं उसमें यूट्यूब से ही देख देख के कि आगे किस तरीके से बढ़ना है। फिर मेरा पिन आया था, पिन कार्ड के बाद मैंने अपना अकाउंट जोड़ दिया, अकाउंट के बाद मेरा पेमेंट जो था ना वो आ गया। अब पेमेंट के लिए $100 तो होने ज़रूरी है, कम नहीं होना है, इसमें कम डॉलर नहीं होने चाहिए, 100 कम से कम तो 100 होंगे जब आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा जो भी था, मेरा मैंने जो भी कंटेंट बनाया ना, पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, वीडियो अच्छी नहीं बनती, 8 से 10 वीडियो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती, क्योंकि हम कैमरे के सामने बोल ही नहीं पाते ढंग से। तो धीरे 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 बनाएंगे ना, तो हमारे कंटेंट भी अच्छे होते जाएंगे, हमारी वीडियो भी अच्छी जाएंगी, एडिटिंग भी अच्छी होती जाएगी। अभी तक मेरी खुद की एडिटिंग अच्छी नहीं, मुझे पता है ना, पर मैं धीरे धीरे मोबाइल से सीख जाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने आपको अपना पेमेंट बता भी दिया है। देखो, अगर हम किसी, हमें कुछ कमाना होता है ना, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, कहीं भी जाओ, अगर प्राइवेट जॉब में, सरकारी जॉब में, तो मेहनत तो सब में लगती है। तो ये यूट्यूब में भी लगेगी, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत भीड़ हो चुकी है। तो आप भी ना, मतलब ट्राई ज़रूर करना, अगर आपके मन में कि भाई मुझे यूट्यूब चैनल बना के कुछ करना है, ट्राई ज़रूर करना। 6 महीने लगातार मेहनत करोगे, किसी को कुछ बताने नहीं, कोई अगर मजाक भी बना तो बनाने देना, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, मेरा भी बहुत मजाक बना है, खैर बनाने वालों ने,
बनाने वालों ने बहुत मजाक भी बनाया, लेकिन क्या था मैं बीच में थोड़ा सा गड़बड़ आ गई थी, मतलब मैं ध्यान नहीं दे पाई अपने यूट्यूब चैनल पे। अब थोड़ा सा मैं अपने चैनल पे ध्यान भी दे रही हूँ, पेमेंट भी चालू हो गई। जब रिजल्ट पॉजिटिव मिलते हैं ना तो फिर काम करने का भी मन करता। तो मेरी पहली सैलरी आ गई है, जो पहली सैलरी यूट्यूब से आ गई, तो अब मैं इसमें काम करूंगी ना, अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।